हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल मेक फिजिक्स इजियर बाय मयूर अग्रवाल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी न्यू टॉपिक रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्री, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड एंड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, तीनों ही सेक्शंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स को भी एटलीस्ट एक क्वेश्चन फाइनल में जरूर मिलता है, आईसीएसई बोर्ड स्टूडेंट्स को भी एक क्वेश्चन डेफिनेटली मिलता है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी कभी कभी इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो से लास्ट तक जुड़े रहिएगा क्योंकि आपके लिए कुछ ना कुछ इस वीडियो में जरूर शामिल होगा। मैंने सबसे पहले आज के वीडियो में मैं आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ। हाइट एंड डिस्टेंस, सबसे पहले मैं आपको उसका यूज बता देता हूँ। हम लोग जब भी नॉर्मली प्रैक्टिकल लाइफ में अपनी किसी भी बिल्डिंग को ऑब्जर्व करते हैं, तो उस बिल्डिंग का टॉप मोस्ट पॉइंट या कोई पर्टिकुलर फ्लोर हम देख रहे होते हैं, सो द विजन जो हमारी आईज है उसका, जो हमारी हाइट के अकॉर्डिंग एक विजन साइट होती है। तो अगर हम अपनी आईज को बिना ऊपर उठाए देख रहे हैं तो हम वो कहेंगे हमारी लाइन ऑफ साइट, वो हमारी लाइन ऑफ साइट होगी। लेकिन अगर हम कोई ऊपर की चीज या उस लाइन ऑफ साइट से नीचे की चीज देखते हैं तो हमें अपनी आईज को ऊपर या नीचे किसी एंगल पर बेंड करना रहता है। तो यहां दो एंगल्स आपको नए इंट्रोड्यूस होंगे। एक एंगल होगा एंगल ऑफ एलिवेशन और दूसरा होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या तो हमें अपनी आईज को अपनी नॉर्मल आई साइट के ऊपर एंगल पर रखना पड़ सकता है या नीचे। और दोनों कब का पॉसिबिलिटीज है, जब हम किसी हाइट की चीज को देख रहे हैं, टॉप मोस्ट की चीज को देख रहे हैं, तो हमें अपनी आई साइट को ऊपर करना पड़ेगा। जैसे कि एक पर्सन बिल्डिंग के बाहर खड़ा है और वो बिल्डिंग का टॉप मोस्ट पॉइंट देखना चाहता है तो उसे अपनी आईज को अप करना पड़ेगा, अपनी आई साइट को ऊपर यानी ऊपर की तरफ एंगल बनाना पड़ेगा, तो उसे एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये पर्सन यहां पर है पी पॉइंट पर, ये बिल्डिंग है ए बी, अगर पर्सन इस पॉइंट को देख रहा है तो ये एंगल जो होगा दिस एंगल, दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ एलिवेशन। अब मान लेते हैं वही पर्सन अगर ए पॉइंट पर है और ग्राउंड पर किसी पॉइंट पी को ऑब्जर्व कर रहा है, तब ये जो एंगल बनेगा दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डिप्रेशन। जब हम किसी टॉप मोस्ट पॉइंट से किसी नीचे ग्राउंड पर सिचुएटेड किसी पॉइंट को देखते हैं तब जो एंगल बनता है वो होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। और ये क्योंकि हम लोग एक प्रॉपर्टी जानते हैं, एक जेड बन रहा है पैरेलल लाइन से, तो ये एंगल इसके इक्वल ऑब्वियसली आ ही जाता है। लेकिन फिर भी अगर डायग्राम में एंगल ऑफ डिप्रेशन वर्ड है तो हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन यही शो करना होगा, उसके बाद हम ड्यू टू द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस उसे इसके इक्वल रख सकते हैं। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट में ये दो वर्ड्स इंट्रोड्यूस मैं कर रहा हूं आपको, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। ऑब्वियसली बोथ आर इक्वल, बट समटाइम्स यू हैव टू रिप्रेजेंट देम इन अ वेरी प्रॉपर मैनर, क्योंकि जब तक आप रिप्रेजेंट नहीं करेंगे तब तक उसका काम आपका सही नहीं आएगा। दूसरी चीज, यहां पर हमें जैसा कि हम देख रहे हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल्स में अप्लाई करते हैं, यहां पर तीन चीजें होती है, हाइपोटेन्यूस होता है, बेस होता है और परपेंडिकुलर होता है। तो क्वेश्चन में हमसे इन्हीं तीनों में से किसी भी दो साइड्स की बात की जाएगी। मान लीजिए हमें यह एंगल दे दिया गया 30 डिग्री और ये हाइट दे दी गई इसकी 10 मीटर और पूछा गया हमसे कि ये ग्राउंड पॉइंट से ग्राउंड उस बिल्डिंग के फुट से कितना दूर है, तो सिंपली क्योंकि हम लोग परपेंडिकुलर और बेस की बात कर रहे हैं इसलिए 10 30 इज इक्वल टू 10 अपॉन x। अब यहां से हम लोग 10 30 की वैल्यू अप्लाई कर देंगे और x की वैल्यू निकालेंगे, तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन कॉस और टेन जो मेन तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं उन तीनों में से ही कोई एक रिलेशन लगाकर हम दूसरी साइड निकाल सकते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट का हमें ध्यान रखना होगा। तो चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट था उसमें इतनी ही बातें बहुत जरूरी है जानना। तो अब मैंने आपके लिए कुछ बेसिक लेवल से स्टार्ट करके क्वेश्चंस में लाया हूं जिससे आपको टॉपिक समझने में ज्यादा परेशानी ना हो। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है अ वर्टिकल पोल stands on the level ground, on level ground from a point on ground
फ्रॉम अ पॉइंट ऑन ग्राउंड 25 मीटर अवे फ्रॉम फुट ऑफ द पोल द एंगल ऑफ एलिवेशन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप is found to be 60 degree. Find height of the pole. ये question है. एक vertical pole है जो कि level ground पर situated है किसी ground के किसी point से, और वो जो ground से point लिया गया है वो 25 meter away है foot of the pole से, और एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो पोल के टॉप पर 60 डिग्री बन रहा है. तो हाइट ऑफ पोल निकालनी बहुत आसान. सबसे पहले हमने ये लेवल ग्राउंड बना लिया, उस पर ये पोल बना लिया ए बी. इस पोल को 25 मीटर डिस्टेंस पर रखे पॉइंट पी से देखा जा रहा है इसका टॉप पॉइंट. तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है? 60 डिग्री. सिंपल, हमें निकालनी है हाइट ऑफ द पोल. एच क्या है 60 डिग्री के लिए? परपेंडिकुलर. 25 क्या है? बेस. तो सिंपली हमें tan 60 लगाना है. tan 60 इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी बी. tan 60 की वैल्यू √3, ए बी की वैल्यू एच और पी बी की वैल्यू 25. सो एच इज इक्वल टू 25 √3 मीटर. अगर मान लीजिए हम कंप्लीट वैल्यू चाहते हैं, सो 25 इंटू 1.73 मल्टीप्लाई करा लीजिए और हाइट ऑफ द पोल आपके पास आ जाएगी. तो ये थे हमारे लेवल वन के क्वेश्चंस, जिसमें बिल्कुल आसानी से सिर्फ और सिर्फ डायग्राम आपको बनाना है. और यस, डायग्राम इज कंपलसरी इन दीज क्वेश्चंस. अगर आप डायग्राम बनाए बिना करते हो तो आप कुछ क्वेश्चंस तो बहुत आसानी से सॉल्व कर लोगे, लेकिन फिर जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाएगा आप उस क्वेश्चन को समझ भी नहीं पाओगे विदाउट डायग्राम. सो डायग्राम्स आर मस्ट, और बोर्ड्स में डायग्राम्स के भी मार्क्स होते हैं. अगर आपकी कैलकुलेशन गलत है लेकिन आपका डायग्राम सही है तो देन यू विल डेफिनेटली गेन सम मार्क्स. सो दिस इज द टाइप वन क्वेश्चन. वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगले टाइप के क्वेश्चंस की बात करते हैं. इसके लिए आपको जो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री फॉर सम स्पेशल एंगल्स सीखते हैं उसमें से सारे एंगल्स लर्न होने चाहिए. क्वेश्चन टू. अ लैडर 15 मीटर लॉन्ग जस्ट रीचेज द टॉप ऑफ अ वॉल. इफ लैडर मेक्स 60 डिग्री विद वॉल, फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल. फाइंड हाइट ऑफ वॉल. ठीक है, अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस हुआ है. आप देखिए, ऑब्जर्व करिए, एक लैडर है जो कि खुद 15 मीटर लंबी है, उसको टॉप तक पहुंचाना एक वॉल है. ठीक है, ये हो गया लेवल ग्राउंड, ये हो गया वॉल. लैडर को हमें टच कराना है. लैडर की पोजिशन ये, ये कितना दिया है हमें बेटा 15 मीटर. तो इस बार देखिए लैडर की लेंथ, मतलब ये चीज दी गई, ये हो गया ए बी वॉल और ए सी हो गई लैडर. और ये जो वॉल के साथ एंगल बना रही है, मतलब ये वाला एंगल, नॉट दिस एंगल, वॉल के साथ जो लैडर एंगल बना रही है वो 60 डिग्री है. ये 90 होता है तो ये कितना आ गया 30 डिग्री. वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल. हाइट ऑफ द वॉल का मतलब दिस एच. तो अब हम लोग देखें तो 30 डिग्री के लिए ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेनस. परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस ये दोनों आते हैं साइन के रिलेशन में. सो वी कैन से दैट साइन 30 इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी. साइन 30 वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू ए बी के प्लेस पे एच और ए सी के प्लेस पे 15. सो 2h इज इक्वल टू 15. सो एच की वैल्यू आ गई 7.5 मीटर. मतलब उस लैडर की जो सॉरी उस वॉल की जो हाइट है वो 7.5 मीटर है. ये आंसर आ गया. तो इस तरह से हमने हमें हमेशा ये नहीं सोचना है कि हमें हमेशा इसी पोजीशन का एंगल क्वेश्चन में दिया होगा.
क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के ही हम डिसाइड करेंगे कि हमें क्या दिया है और क्या निकालना है। तो जैसा कि हमने देखा यहां पर क्योंकि रिलेशन हो रहा था हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर के बीच में, इसलिए हमने साइन लगाया। पिछले क्वेश्चन में हमारे पास रिलेशन था परपेंडिकुलर और बेस के बीच में, दैट इज वाई वी हैव यूज्ड टैन। तो आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना होगा। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और अपने अगले टाइप के क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन टाइप थ्री। अगर आप लेवल के हिसाब से क्वेश्चंस लगाते जाओगे तो आपके आंसर्स भी आते जाएंगे और आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। इफ अ टावर, अगर एक टावर जो कि 30 मीटर हाई कास्ट अ शैडो, एक शैडो कास्ट कर रहा है 10√3 मीटर लॉन्ग, जिसकी लेंथ 10√3 मीटर है, वॉट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन वी हैव टू फाइंड। ऑफ द सन भी लिखा है तो उससे कोई मतलब नहीं है हमारा ज्यादा। तो देखिए ये हो गया टार, ग्राउंड पर है, ए बी टार हो गया और उसकी जो शैडो है बी सी, तो शैडो है 10√3 और जो टार है वो दिया गया है 30 मीटर। इफ अ टावर 30 मीटर, ये है 30 मीटर, शैडो 10√3 और ये हमें एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है। तो ठीक है, परपेंडिकुलर एंड बेस, सो टेन थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। टेन थीटा वी डोंट नो, ए बी वैल्यू 30 और बी सी 10√3। सॉल्व करते हैं, सबसे पहले इसे कैंसिल कराएंगे तो 3 आएगा, सो टेन थीटा इज इक्वल टू 3/√3 इंटू √3, रेशनलाइजेशन कराएंगे, सो 3√3/3 विल बी कैंसिल, सो द आंसर इज √3। और टेन की वैल्यू √3 कौन से एंगल पर होती है, वी मस्ट नो टेन की वैल्यू होती है 60 डिग्री पर, हेंस द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री इन दिस केस। तो ये थे टाइप थ्री के क्वेश्चंस, जब हमें एंगल नहीं दिया होता है बाकी दोनों साइड्स के बीच में वैल्यूज दी गई होती है या रिलेशन दिया गया होता है, तो उन्हें हम इस तरह से करेंगे। तो जैसा कि आपने तीनों क्वेश्चंस में देखा, ये अभी हम सब लेवल वन के क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, ये सब कितने आसान थे, सिर्फ आपको डायग्राम बनाना है, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी है, चीजें इंडिकेट कर देनी है, जो भी गिवन है और जो नहीं गिवन है उसे समझ लेना है। तो ये थे टाइप थ्री क्वेश्चंस। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगले टाइप के क्वेश्चंस की बात करते हैं। वीडियोस में आप जितना आगे बढ़ोगे उतना ही क्वेश्चंस का लेवल भी बढ़ता जाएगा, जिससे कि आपको क्वेश्चंस जब प्रैक्टिस करने बैठो तो आपको परेशानी ना हो। थोड़ा सा और क्वेश्चन का लेवल बदला इस बार मैंने इस क्वेश्चन में, द शैडो ऑफ अ टावर व्हेन एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45 डिग्री इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री, फाइंड हाइट ऑफ टावर। ये क्वेश्चन है इस बार दो सिचुएशन है, दो कंडीशन है एक ही क्वेश्चन में। एक शैड जो टार है, तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाने के साथ ही साथ स्टार्ट कर देते, ये टार हो गया ए बी, तो इसकी शैडो बन रही है यहां तक बी सी। जब एंगल ऑफ एलिवेशन 45 है, यहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन 45 है पॉइंट डी पर, और पॉइंट सी पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है, जो शैडो बनी वो 40 मीटर लॉन्गर थी, तो यानी कि ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज गिवन अस 40 मीटर। तो ये डायग्राम हो गया हमारा कंप्लीट। तो हम इसे लेट कर लेते हैं एक्स और इसे लेट कर लेते हैं एच। तो इस बार दो कंडीशंस बनी है, तो दो बार ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो यूज होंगे। सबसे पहले हमने यूज किया टेन फोर्टी फाइव के हिसाब से अगर हम लगाए फॉर्मूला, तो ए बी अपॉन BD, 1045 के वैल्यू 1, AB के प्लेस पे H और BD के प्लेस पे 40+X, सो क्रॉस मल्टीप्लाई से H की वैल्यू 40+X आ गई। ये लगाया जब हमने एक ट्रायंगल में, बड़े वाले ट्रायंगल में,
और अब हम दूसरे ट्रायंगल में tan 60 लगाते हैं, तो यहां से आएगा AB अपॉन BC, tan 60 की वैल्यू होती है रूट थ्री इज इक्वल टू एच अपॉन एक्स, तो h की वैल्यू आ गई रूट थ्री एक्स। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है h की, तो यहां से h अपॉन रूट थ्री इज इक्वल टू x, x की ये वैल्यू आ रही है, इसे हम ये वाली इक्वेशन में ट्रांसफर कर देते हैं। सो h इज इक्वल टू 40 प्लस h अपॉन रूट थ्री, h माइनस h अपॉन रूट थ्री इज इक्वल टू 40। एलसीएम लेते हैं रूट थ्री एच माइनस एच इज इक्वल टू 40 रूट थ्री, एच कॉमन रूट थ्री माइनस वन इज इक्वल टू 40 रूट थ्री। सो h की वैल्यू आ रही है 40 रूट थ्री अपॉन रूट थ्री माइनस वन। रेशनलाइज करा लेते हैं, सो रूट थ्री प्लस वन से मल्टीप्लाई, रूट थ्री प्लस वन से डिवाइड, तो ऊपर आ जाएगा 40 रूट थ्री एंड रूट थ्री प्लस वन, और नीचे जब हम देखेंगे तो रूट थ्री स्क्वायर मतलब थ्री और वन का स्क्वायर टू, टू आएगा, टू से कैंसिल किया 20, तो फाइनल आंसर आ गया 20 रूट थ्री एंड रूट थ्री प्लस वन। मल्टीप्लाई करा लेते हैं और रूट थ्री की वैल्यू लगा लेते हैं, हमारे पास कंप्लीट आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन था जिसमें दो कंडीशंस बन जाते हैं, जैसा कि हम क्वेश्चन ध्यान से देख रहे हैं, जब 60 डिग्री एंगल है तब शैडो की लेंथ एक्स है, और जब 45 डिग्री एलिवेशन एंगल है तब 40 मीटर बढ़ गई। क्वेश्चन में जैसे कहा जा रहा है जब एंगल ऑफ 45 था तो ऐसा पाया गया कि 40 मीटर शैडो लेंथ लॉन्गर थी, ये जो लॉन्गर है कंपैरिजन है ये 40 मीटर है। तो यहां पे क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको समझनी है, कई स्टूडेंट्स इसे 40 मीटर कंसीडर कर लेंगे तो पूरा क्वेश्चन वहां से गलत हो जाएगा। हमें क्लियरली बोला गया है कि 45 डिग्री जब एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था उस कंडीशन में जो शैडो बनी वो 60 डिग्री वाले कंडीशन वाली शैडो से 40 मीटर लॉन्गर थी, तो डिफरेंस 40 मीटर है। तो इस हिसाब से हमने दो बार, क्योंकि यहां पे दो वेरिएबल थे एच और एक्स, हम दोनों निकाल सकते हैं, इसीलिए हमें यहां पर दो इक्वेशंस बनानी पड़ी। अभी तक जो हमें तीन क्वेश्चंस पढ़े थे उसमें एक ही वेरिएबल निकालना रहता था, इसलिए सिंगल इक्वेशन थी। तो ये थे टाइप फोर क्वेश्चंस। आज के वीडियो में एक मेरा क्वेश्चन और सेलेक्ट किया हुआ है, उसे और डिस्कस करेंगे। फिर अगले वीडियो में आपसे मैं मिलूंगा जिसमें मैं आपको और हाई लेवल क्वेश्चंस, हाई लेवल का मतलब मेरे से है कि जिनका डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा ज्यादा होता है, जिनको समझने में और थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ता है। बाकी भी तो देखिए, एक ऐसा स्टूडेंट जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर है उसको डिफिकल्टी तो किसी भी टॉपिक पर नहीं होगी। डिफिकल्टी लेवल का मतलब ये है कि कहां तक वो सोच पा रहा है और कहां से उसे हेल्प की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर फाइव, फ्रॉम अ पॉइंट ओ ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर इज 30 डिग्री एंड दैट ऑफ टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ ऑन टॉप ऑफ टावर इज 60 डिग्री इफ लेंथ ऑफ फ्लैग स्टाफ इज 5 मीटर फाइंड हाइट ऑफ टावर। इस बार देखिए डायग्राम डिफरेंट वे में बनेगा। इस बार क्या है, ग्राउंड पर एक पॉइंट ओ है, ठीक है। सबसे पहले देखिए, ये हो गया टार, ये हो गया ए बी टार, और इसके ऊपर यहां से ये चीज हो गई सपोज ए सी, दिस इज फ्लैग स्टाफ, इसकी हाइट 5 मीटर दी है, इसकी हाइट हमें निकालनी है। जब पॉइंट ओ से इसका देखा जा रहा था, टार का टॉप देखा जा रहा था, तब एंगल था 30 डिग्री, और जब फ्लैग स्टाफ का टॉप देखा जा रहा है तब एंगल हो गया है 60 डिग्री। बताइए टॉप की कि टार की हाइट क्या होगी, ठीक है, इसे हम एक्सलेट कर लेते हैं। तो एक बार अगर हम tan 30 लेते हैं तो tan 30 के अकॉर्डिंग लगेगा AB अपॉन OB, tan 30 की वैल्यू 1/√3, AB के प्लेस पे H और OB के प्लेस पे X, तो X इज इक्वल टू H√3, ये आंसर आ गया। अब अगर हम एक बार लेते हैं tan 60, तो उसमें लगेगा CB अपॉन OB, tan 60 की वैल्यू रूट थ्री, सीबी के प्लेस पे रखेंगे 5 प्लस एच अपॉन ओबी के प्लेस पे x। तो यहां से अगर हम देखें तो रूट थ्री एक्स इज इक्वल टू 5 प्लस एच, इसका मतलब x इज इक्वल टू 5 प्लस एच अपॉन रूट थ्री, ये भी x की वैल्यू है, ये भी x की वैल्यू, तो दोनों को इक्वल रख देते हैं, h रूट थ्री इज इक्वल टू
फाइव प्लस एच अपॉन रूट थ्री, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 3h इज इक्वल टू 5 प्लस एच, 3h माइनस एच इज इक्वल टू 5, सो 2h इज इक्वल टू 5, सो h इज इक्वल टू 5 बाई 2, सो दैट इज द आंसर। फ्लैग स्टाफ की जो हाइट है वो 5 मीटर है और जो टार की हाइट हो जाएगी वो 5 बाई 2 मीटर। तो इस तरह से हमारा कैलकुलेशन पार्ट हो गया। जैसा कि हमने देखा क्वेश्चन में क्या था, पॉइंट ओ एक ग्राउंड पर है जो कि एंगल ऑफ एलिवेशन अगर हम टार के टॉप को देख रहे हैं तो 30 डिग्री बन रहा है, और अगर हम फ्लैग स्टाफ के टॉप को देख रहे हैं जो कि टार पे लगा हुआ है तो 60 डिग्री एंगल बन रहा है। तो अगर हमें बताइए लेंथ ऑफ फ्लैग स्टाफ ये 5 मीटर है तो टार की कितनी हाइट होगी, तो सबसे पहले हमने ये छोटा वाला ट्राइंगल लिया, टेन 30 इज इक्वल टू ए बी अपॉन ओ बी लगाया, एच अपॉन एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कराया तो एक्स की वैल्यू आ गई एच रूट 3। उसके बाद हमने tan 60 लगाया पूरे बड़े वाले ट्रायंगल में तो ये पूरा परपेंडिकुलर बन गया है 5 प्लस एच और बेस है x। इस बार क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5 प्लस एच की वैल्यू रूट 3x के इक्वल, यानी x की वैल्यू 5 प्लस एच अपॉन रूट 3। फिर हमने दोनों वैल्यूज को इक्वल कर दिया क्योंकि दोनों ही x की वैल्यूज थी, तो एच रूट 3 इज इक्वल टू 5 प्लस एच अपॉन रूट 3, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो यहां से आया 3x, 5 प्लस एच, एच इधर आया 2h, और इस तरह से हाइट ऑफ टार की वैल्यू आ गई। तो ये था आज का वीडियो, आई होप सो कि आपको हाइट एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलूंगा तो और कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर अभी तक आप वीडियोज लाइक नहीं कर रहे हो तो ये दोनों ही काम जल्दी से जल्दी करें।